आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 282वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उस संदर्भ में। भाजपा की उंगली के आगे चारों खाने चित्त हो सकते हैं उद्धव ठाकरे। शिंदे के बहाने, एकनाथ शिंदे के बहाने महाराष्ट्र में ठाकरे युग को अवसान की ओर ढकेला भी जा सकता है। निम्टी के लालटेन के 282वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। अरब सागर, वैसे तो हर समुद्र में पानी हिलोरे मारता है, पर अरब सागर का पानी कभी कभार चमकर हिलोरे मारता है। अरब सागर के मुहाने पर बसे मुंबई, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को इन लहरों से रोज ही दो चार होना पड़ता है। मुंबई की एक प्रसिद्ध सड़क है मरीन ड्राइव। इस मरीन ड्राइव पर सह्याद्री नाम का एक विशाल भवन है जो महाराष्ट्र सरकार का सचिवालय है, मंत्रालय है। रोजाना ज्वार भाटा के चलते समुद्र में उठने वाली ऊंची उठने वाली लहरें वैसे तो आमतौर पर खुद ही शांत हो जाया करती हैं, पर इस बार ये लहरें सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर तबाही मचाती दिख रही है। 30 जून को अमावस्या है, वैसे पूर्णिमा को लहरें बहुत ज़्यादा तेजी से उठती हैं। 30 जून अमावस्या है और 30 जून को सियासी बयावान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद महाराष्ट्र को एक नया चांद मिलता दिख रहा है। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, पर दूरदृष्टि के साथ जो भी अपनी चालें चलता है वो इसमें सफलता की पायदान चढ़ता जाता है। महाराष्ट्र में जो भी सियासी प्रहसन हुए वे बहुत चौंकाने वाले हैं। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बहुत विश्वास पात्र एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे। वे चार बार विधायक हैं, चौथी बार विधायक हैं, चौथी बार उनके विधायक जीते हैं। उन्हें उद्धव ठाकरे का बहुत ही विश्वस्त माना जाता है। दरअसल देखा जाए तो एक एक ईंट जोड़कर हिंदुत्व के मार्ग पर चलकर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को जो ऊंचाइयां दी हैं उन्हें उनके पुत्र उद्धव ठाकरे संभाल नहीं पाए हैं। शायद उन्हें चाहिए था कि वे अपने पिता के द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों पर चलते हुए शिवसेना का कुनबा आगे बढ़ाते। आने वाले समय में यही कहा जाएगा कि उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभाल कर सहेज कर नहीं रख पाए। मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का उदाहरण यहां देना प्रासंगिक होगा। बादशाह अकबर ने 27 जनवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक देश पर शासन किया लगभग 50 साल। कहा जाता है कि अकबर बहुत न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे, जैसा आपने हमने अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ा है। उनके द्वारा जो भी नीतियां बनाई गईं उन नीतियों पर उनके वारिसान लायक थे अथवा नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर उनके वारिसानों ने 100 साल शासन किया, क्योंकि 50 साल तक वे नीतियां चलती रहीं। बहादुर शाह जफर मुगल अंतिम मुगल बादशाह रहे हैं। ये उदाहरण लेना यहाँ प्रासंगिक इसलिए था एवं इसका मकसद सिर्फ इतना है कि अकबर के द्वारा स्थापित किए गए नियम कायदों के कारण ही उनके वारिसान 100 साल तक शासन कर पाए। ये भी सच है कि उस दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत विलंब से होता था, क्योंकि उस समय संचार क्रांति नहीं थी, इसलिए सूचनाएं बहुत इधर से उधर पहुंचती थी। इसलिए ये माना जा सकता है कि उस समय 100 साल शासन किया, जो आज संचार क्रांति का युग है, एक छोर से दूसरे छोर तक सूचनाएं सेकंड्स में पहुँच जाती, इसलिए उस 100 साल को आप 10 साल मान सकते हैं। वैसे एक बात ये भी सच है कि परिवारवाद या परिवार के कारण सियासी पार्टियां कमज़ोर होती हैं और टूटने की कगार पर भी पहुंच जाती हैं। बाला साहब ठाकरे के निधन के उपरांत राज ठाकरे जो उनके भतीजे हैं वे हाशिए में चल रहे हैं, पार्श में चल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के द्वारा अगर बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई नीतियों पर चला जाता तो शायद आज हालात वे नहीं होते जो आपको भी दिख रहे हैं।
दरअसल शुरुआत से ही शिवसैनिक इस बात से खफा नजर आ रहे थे कि शिवसेना के द्वारा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर हामी कैसे भर दी। उद्धव ठाकरे को ये जरूर विचार करना चाहिए कि लगभग 56 बरस पहले जिस शिवसेना का गठन किया गया था, उस शिवसेना के गठन के बाद विचारधारा क्या थी और आज के समय में इसकी विचारधारा क्या है, इस पर विचार करना चाहिए। एकनाथ शिंदे, इनकी नाराजगी का उनकी सरकार को ही पता नहीं चल पाया, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की नाराजगी भाप नहीं पाए। सरकार का एक खुफिया तंत्र होता है, इंटेलिजेंस एक होता है, इंटेलिजेंस फेल्यूर इसे माना जा सकता है क्योंकि एक के बाद एक विधायक जाते रहे और उसके बाद भी सरकार को मुख्यमंत्री को पता नहीं चल पाया। एकनाथ शिंदे की असली नाराजगी की वजह ये थी कि जब अघाड़ी सरकार का गठन शैशव काल में ही था तब ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा, पर उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि शरद पवार के द्वारा शर्त रखी गई थी। जब सीएम नहीं बन पाए एकनाथ शिंदे तो शिंदे को ये लगा कि वे सरकार में नंबर 2 बन पाएंगे, पर उद्धव ठाकरे के द्वारा अपने पुत्र आदित्य को 2 नंबर का दर्जा दे दिया गया सेकंड सरकार में। इसके अलावा चुनाव के बाद शिवसेना के द्वारा भाजपा के साथ चुनाव लड़ा गया था और बाद में गठबंधन तोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। इतना ही नहीं, शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद का दावा भाजपा के साथ कर दिया था जबकि भाजपा के पास 106 विधायक थे और शिवसेना के पास महज 56 विधायक ही थे। फिर भी सीएम पद शिवसेना को ही चाहिए था। वर्तमान में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देकर भाजपा के द्वारा एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। उद्धव ठाकरे शायद ये भूल गए कि वर्तमान समय में भाजपा के खेवनहार खेवैया अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी नहीं है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके खेवैया है। भाजपा के रणनीतिकारों के द्वारा जिस तरह एक के बाद एक गूगली फेंकी जा रही है वो सियासी पंडितों के लिए भारी पड़ती दिख रही है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि एक के बाद एक चाल क्या है। भाजपा के द्वारा सीएम पद खुद नहीं लिया गया, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, शिवसेना का सीएम है। उसके बाद सीएम के सबसे सशक्त दावेदार देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। एकदम से ऐसी गुगली चली कि कोई समझ नहीं पाया। खबरों में पहले कुछ चलता रहा, फिर कुछ चलता रहा और जब पिटारा खुला तो कुछ और आया। दरअसल भाजपा कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। अगर फडणवीस को सीएम बनाया जाता, देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम बनते तो शिवसैनिकों के मन में शंका उत्पन्न होना स्वाभाविक था। उस स्थिति में शिवसैनिकों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकती थी, जिसकी संभावनाएँ एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब लगभग शून्य हो चुकी है कि शिवसैनिकों की सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ रहे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर मुंबई महानगर पालिका अर्थात बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी में सभी जानते हैं शिवसैनिकों का दबदबा रहा है। भाजपा एक तीर से फिर कई शिकार करती हुई दिख रही है, कई निशाने साधती हुई दिख रही है। बीएमसी इलेक्शन में उद्धव ठाकरे के समर्थकों को के विजयी होने की संभावनाएं क्षीण नजर आने लगी हैं, इसके बाद जो भी समीकरण बनते दिख रहे हैं, क्योंकि अब असली और नकली शिवसेना की जंग आरंभ होगी और जाहिर है एकनाथ शिंदे सत्ता में है और विजय उनकी ही होगी असली और नकली शिवसेना में। इस पूरे मामले में भाजपा के रणनीतिकार एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। 2019 में भाजपा और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बने वैसे ही उद्धव ठाकरे ने अजित पवार को अपने साथ मिला लिया और बहुमत साबित ना कर पाने के कारण देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ 24 घंटे में ही अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अचानक यू-टर्न लिया और उद्धव ठाकरे के द्वारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठजोड़ कर सरकार बना ली गई।
अब 2019 के में उद्धव ठाकरे के द्वारा लिए गए यू टर्न का माकूल हिसाब किताब भाजपा के द्वारा न केवल किया गया है, वरन ये भी साबित करने का प्रयास किया गया है कि सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं। इसके साथ ही भाजपा के द्वारा लिए गए स्टैंड के बाद एक बात और प्रचारित होना आरंभ हो गई है कि हिंदुत्व के रास्ते से हट चुके उद्धव ठाकरे को हटाकर एकनाथ शिंदे के द्वारा किसी तरह की गलती नहीं की गई। जाहिर है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 में, 2 साल बाद जो आम चुनाव होने हैं, उसमें मिलकर रहेगा। लिमटी की लालटेन के 282वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे शनिवार एवं रविवार के साथ विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं, साथ ही साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं ये सारे वीडियोस, ताकि हम और ये भी बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम आपको वो दिखाने का प्रयास भी करें। लिमटी की लालटेन के 282वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 283वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।